हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम सीखेंगे कैसे मेजर स्केल को प्ले कर सके थ्रू आउट द फ्रेट्स गिटार पे। तो मेजर स्केल काफी इंपॉर्टेंट होता है, मदर ऑफ ऑल स्केल्स भी बोलते हैं इसको। तो आपको काफी हेल्प करेगा आगे इम्प्रोवाइज करने के लिए। तो हम एक सिंपल पैटर्न सीखेंगे जिससे हम थ्रू आउट द फ्रेट्स मेजर स्केल को प्ले कर सकेंगे, ठीक है ना। तो स्केल्स के ऊपर मैंने डिटेल में अलग से लेसन बनाया है, उसको आप चेक कर सकते हो। अराउंड 30 मिनट्स का लेसन है। तो आज मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा कैसे स्केल्स अरेंज हुआ है थ्रू आउट द फ्रेट्स एंड उसको कैसे कनेक्ट करके थ्रू आउट द फ्रेट्स प्ले करना है, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको जरूर देखिए। अगर ये आपको हेल्प कर रहा है जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है। तो चलिए आज का लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल का 5 पोजीशन सीखेंगे जिसे आप पूरे नेक पे प्ले कर पाओगे आराम से, ठीक है ना। तो 5 पोजीशन होता है मेजर स्केल का। तो इसको अभी हम जी मेजर स्केल पे सीखेंगे। तो आप पोजीशन को मूव करके किसी भी स्केल पे प्ले कर सकते हो। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में अपने स्केल वाले लेसन में बताया, उसको आप जरूर चेक कीजिए। तो चलिए देखते हैं मेजर स्केल का पहला पोजीशन कैसा होता है। तो इसको हम जी मेजर स्केल से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपको स्क्रीन पर डायग्राम मिल जाएगा, जो रेड डॉट है वो आपका रूट नोट है, ठीक है ना। तो अगर हम 16th का 3rd फ्रेट से स्टार्ट करेंगे, आपका जी नोट बनता है, तो आपका जी मेजर स्केल चलेगा। तो इसको हम बॉक्स शेप भी बोलते हैं। तो आपका पहला पोजीशन जाएगा लाइक दिस। तो यही था इसका पहला पोजीशन। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियो को देख लीजिए अगर आपकी समझ नहीं आ रहा है। तो जो रेड डॉट्स बना है आपका रूट नोट है, लाइक यहाँ पे जी हो गया 6th स्ट्रिंग पे, देन यहाँ पे जी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला पोजीशन। देन चलिए सेकंड बॉक्स शेप की ओर चलते हैं। तो मैं इसको एक्वास्टिक गिटार को नजर में रख के बना रहा हूँ, अब तो 15 फ्रेट तक करेंगे। इलेक्ट्रिक गिटार में आप हायर जा सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि मैक्सिमम सबके पास एक्वास्टिक गिटार ही है, तो अभी हम उसके हिसाब से सीखेंगे। तो आपका सेकेंड पोजिशन आएगा जी मेजर का यहाँ पे। ठीक है ना, आप डायग्राम को फॉलो कर सकते हो। आपका स्टार्ट होगा 4th स्ट्रिंग का 5th फ्रेट से जी नोट से। ठीक है, ये बन गया आपका सेकेंड पोजीशन। तो चलिए भी थर्ड पोजीशन की ओर चलते हैं। आपका स्टार्ट होगा लाइक दिस। तो सिंपल है काफी थर्ड पोजीशन भी। आपका स्टार्ट होगा जी नोट, दैट इज आपका 5th स्ट्रिंग का 10th फ्रेट से। पिंकी से स्टार्ट करेंगे, तो रूट नोट से ही हमेशा स्टार्ट करेंगे। ये बन गया आपका थर्ड बॉक्स शेप। तो चले भी 4th की ओर चलते हैं। तो आपका स्टार्ट होगा वहीं से, पर अभी इसको मिडिल फिंगर से स्टार्ट करेंगे 5th स्ट्रिंग का। ये बन गया आपका 4th पोजीशन। तो चले भी 5th एंड लास्ट पोजीशन को देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करेंगे 6th स्ट्रिंग का 15 फ्रेट से। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि काफ़ी हाई है एंड एक्वास्टिक पे थोड़ा सा हार्ड लगेगा इसको प्ले करने में, इसलिए इसको मैंने यहीं तक ही रखा है। तो इसको आप पिंकी से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका गिटार कट अवे है, थोड़ा सा आपको इजी लगेगा इसको प्ले करने में, तो आपका जाएगा लाइक दिस। तो यही हो गया आपका 5 पोजीशंस। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कनेक्ट करके थ्रू आउट द फ्रेट्स प्ले करें इस स्केल को।
तो मैंने एक एक्सरसाइज बनाया है बिगनर्स के लिए, ताकि आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सको, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, थ्रू आउट द फ्रेट्स अप टू 15 फ्रेट तक, ठीक है ना? तो सेम स्केल प्ले करेंगे, इसको आगे मूव करेंगे, देन आगे से पीछे लेके आएंगे इसको, ठीक है? तो पहला पोजीशन से स्टार्ट करेंगे इसको, यहाँ पे खत्म हो गया आपका सरगम, देन यहां से इसको नेक्स्ट पोजीशन पे लाएंगे लाइक दिस, ठीक है ना? तो टायर्स को फॉलो कर लीजिए, आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट बॉक्स शेप से, तो आपने देखा हमने कैसे कनेक्ट कर लिया दोनों शेप्स को। ठीक है, देन आपका यहीं से स्टार्ट होगा नेक्स्ट शेप, तो आप ट्राई कीजिए पिंकी फिंगर का यूज करने के लिए। आप इसको जितना यूज करोगे आपका उतना स्ट्रांग बनेगा ये फिंगर। तो ये कैसा हो गया आपका, अभी रूट नोट आपका यहीं से स्टार्ट होगा, तो हम वही नोट्स प्ले कर रहे हैं जो बॉक्स शेप में है, बस इनको कनेक्ट कर रहे हैं हम। तो आपने देखा मैंने कैसे कनेक्ट किया इसको सभी शेप्स को एक पैटर्न में, आपको काफी इजी लगेगा इसको ऐसे प्रैक्टिस करने में। तो चलिए पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं, यहां से लेके यहां तक टैब्स में कैसे आपको कनेक्ट करना है सभी शेप्स। तो आपका स्टार्ट होगा यहां से, आगे जाएंगे, ठीक है, देन अभी यहां से बैक आएंगे, तो कैसा गया ये? तो पहला पार्ट हो गया, देन यहीं से बैक जाएंगे, तो कैसा हो गया ये पार्ट? अब फिंगर्स पे ध्यान दीजिए, मैं कौन सा फिंगर्स यूज कर रहा हूं। आपका फिर से यहीं से नेक्स्ट पार्ट, तो काफी सिंपल था। तो चलिए सेकेंड पार्ट को फिर से एक फ्लो में देखते हैं। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है, देन यहां से ऊपर आना है, ठीक है ना? तो इससे आपका काफी अच्छा प्रैक्टिस होगा, तो आगे जाके आप इम्प्रोवाइज भी आराम से कर सकते हो। तो उसके ऊपर मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा अगर इस वीडियो पे 50,000 व्यूज आता है, ठीक है ना? तो चलिए बस स्लोली फिर से प्ले करते हैं स्टार्टिंग से, देखते हैं कैसा जा रहा है ये पैटर्न। तो आप इसको आराम से स्लोली प्रैक्टिस कीजिए, एक एक पोजीशन को प्रैक्टिस कीजिए, देन सबको कनेक्ट कीजिए एंड एक फ्लो में इसको प्ले करने का ट्राई कीजिए। तो आपका काफ़ी अच्छा इससे डेवलप होगा पोजीशन प्लेइंग का, एंड आप आराम से इम्प्रोवाइज कर सकते हो आगे किसी भी स्केल पे। तो इसका पहला पार्ट है, आगे मैं और भी पार्ट्स लाऊंगा, पर इस पर मुझे 50,000 व्यूज चाहिए, ठीक है ना? तो आप इसको मेट्रोनोम का यूज करके भी प्ले कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको हल्का सा एग्जाम्पल देता हूँ कैसे आप मेट्रोनोम के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका टाइमिंग का सेंस और भी डेवलप होगा। तो आप इसको 4x4 रिदम पे सेट करके अराउंड 100 BPM से स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने 100 BPM पे रखा है इसको, तो यहाँ पे मैं साउंड ब्लेंडर का मेट्रोनोम ऐप यूज कर रहा हूँ। तो चलिए वह इसको प्ले करते हैं 100 BPM पे, देन धीरे धीरे आप टेम्पो को बढ़ा सकते हो। 2 3 4, तो
तो आप ऐसे मेट्रोनोम के साथ अपने कंफर्टेबल स्पीड में प्ले कर सकते हो, देन धीरे धीरे इसका स्पीड आप बढ़ा सकते हो, तो इससे आपका काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन एंड टाइमिंग का सेंस डेवलप होगा। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा के मैं आपको दिखा देता हूँ, अराउंड 125 पे रखते हैं इसको भी, हल्का सा प्ले करता हूँ मैं, 2 3 4। तो चलिए आजकल ऐसे नहीं पर रखते हैं, मैं गारंटी देता हूँ ये आपको हेल्प करेगा। अगर ये आपको हेल्प कर रहा है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसका सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगा 50,000 व्यूज़ के बाद, तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।